मैं उस कुल को प्रणाम करता हूँ जिस कुल में संत श्रोमणी रविदास जी ने जन्म लिया। सरकार कुल को मैं प्रणाम करता हूँ। त्याग की मूर्ति संत रविदास जी ने समाज से जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर सामाजिक समरसता की ज्योत प्रज्वलित की है। ये बात आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती पर बरखेड़ा पठानी भोपाल में हुए राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली शामिल होकर कही। महान भक्त, साधक, तपस्वी, समाज सुधारक, श्रम पूजक, त्याग की मूर्ति रविदास जी भारत में हुए, भारत धन्य हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कई सौगातें भी दी। भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, वहाँ श्रम की पूजा होगी। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत श्रोमणि रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। सीएम श्री चौहान ने संत रविदास जी के कोई भूखा ना रहे वाक्य को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए दीनदयाल रसोई योजना को व्यापक पैमाने पर विस्तार करने की बात भी कही। अभी दीनदयाल रसोई कुछ जगह चलती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर भोजन कराने के लिए हम इसका विस्तार करेंगे। कोई भूखा ना रहे हमारे आदर्श वाक्य है, सबको अन्न से लेके आवास तक की व्यवस्था। सीएम श्री चौहान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हम प्रारंभ करेंगे। कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी की जरूरत है, उसके लिए 1 लाख का लोन सरकार देगी। जो बच्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो खोलना चाहते हैं उनके लोन की गारंटी लेंगे, लोन दिलवाएंगे और 5% ब्याज का अनुदान उनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना प्रारंभ करने की बात भी कही। हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन और अन्य विशेष संबंधी परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परियोजनाएं जो बच्चे हमारे बनाएंगे। सीएम श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बहुल जिलों में जहां ज्यादा आवश्यकता होगी ऐसे स्थानों पर संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा ताकि हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम भी व्यवस्थित हो सके।